हेलो दोस्तों, मैं साहू साहू चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे बजाज फाइनेंस शेयर के बारे में। बजाज फाइनेंस सबसे बढ़िया शेयर है, उसका चार्ट पढ़ेंगे। और बजाज फाइनेंस का चार्ट का जो लेंथ है उसका, अभी 1 ईयर का चार्ट हम प्रोग्रामिंग किए हैं, तो 1 ईयर चार्ट में आप देख सकते हैं बजाज फाइनेंस का जो शेयर है 6000 सबसे बड़ा लेवल है और 6500 हुआ सपोर्ट लेवल है। तो 6500 इसे सपोर्ट है, आप देख पा रहे हैं वहाँ से पीछे का सपोर्ट और आगे का सपोर्ट दोनों बराबर है। 6500 इज द मोस्ट वी एंट्री पॉइंट, बहुत बढ़िया एंट्री पॉइंट। अगर वार जोन के हिसाब से अब देखा जाए तो जो अगर वर्ल्ड वार चलता है तो हम मार्केट में इन्वेस्ट करना भी डरते हैं और शेयर में इन्वेस्ट करना भी डरते हैं, क्योंकि इंडेक्स ज़्यादा गिरावट होता है। इंडेक्स में जो वेटेज शेयर है जैसे रिलायंस, बजाज फाइनेंस, HDFC बैंक जैसे शेयर है उसमें ज़्यादा गिरावट आता है, तो उसी के चलते मार्केट में ज़्यादा गिरावट होता है। तो आपको यह ध्यान देना है, अगर इन्वेस्ट करते हैं तो बड़ा बड़ा शेयर में इन्वेस्ट करिए और कम क्वांटिटी के साथ इन्वेस्ट करिए, क्यों मार्केट जिस रफ्तार से क्रैश होता है उसी रफ्तार से 3-4 गुना रफ्तार से वो मूवमेंट होता है। दूर से चार्ट दिखाई देता है, देखिए ये बुलिश ट्रेंड है, बुलिश ट्रेंड हर गिरावट के साथ स्विमिंग दिया है और अभी स्विमिंग के साथ अभी 6500 लेवल पे सपोर्ट में रुका है। तो यहाँ से आप ध्यान देना है, 6500 हो गया आपका बढ़िया सपोर्ट जोन, यहीं से आप एंट्री मार सकते हैं कम क्वांटिटी के साथ। और 6000 मेन सपोर्ट लेवल हो गया, वहाँ से अगर आता है मार्केट, अगर वार पोजिशन इसी तरह चला तो मार्केट और ज़्यादा गिरावट हो सकता है, तो वहाँ से आप 6000 तक आप लेवल ले सकते हैं और वहाँ से भी छोटा छोटा क्वांटिटी एंट्री कर सकते हैं। तो ध्यान देने के बाद है आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाए अगर शॉर्ट टर्म के लिए खेल रहे हैं। अगर लॉन्ग टर्म व्यू के लिए चल रहे हैं तो बजाज फाइनेंस सबसे बढ़िया शेयर है, सबसे बढ़िया शेयर बजाज फाइनेंस। फाइनेंस सेक्टर का सबसे बढ़िया नंबर 1 शेयर ये हुआ बजाज फाइनेंस, और इसमें इन्वेस्ट करके रखिए। उसका जो चार्ट पैटर्न सबसे बढ़िया पैटर्न है, जैसे मार्केट में कोई चेंजेस आता है इसमें ज़्यादातर इफेक्ट पड़ता है। तो आपको ये वोल्टेज शेयर में ध्यान देने की बात है, आपको 6500 में कम क्वांटिटी के साथ एंट्री करिए, और जैसे छोटा छोटा क्वांटिटी जैसे 5 क्वांटिटी, 10 क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी ऐसे ऐसे छोटा छोटा टुकड़ा करके आप एंट्री करिए 6000 टू 6500 के बीच पे, और लॉन्ग टर्म व्यू के लिए आप रख सकते हैं। तो ये रहा चार्ट, बजाज फाइनेंस का चार्ट बहुत बढ़िया चार्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आपको हमेशा जो बजाज फाइनेंस में सॉरी RSI आप देख पा रहे हैं अभी 37 पे रुका है, क्यों ज़्यादा गिरावट होने से RSI भी ओवरशोल्ड हो जाता है, फिर वहाँ से मूवमेंट करने लगता है। तो यही है आपका तैयारी, 6500 आपका सबसे बढ़िया लेवल है, आप छोटा क्वांटिटी के साथ एंट्री करिए, और बड़ा क्वांटिटी अगर लेना चाहिएगा और ज़्यादा गिरावट होने से लॉन्ग टर्म व्यू के लिए बहुत बढ़िया है। और अगर आपके पास होल्डिंग है आपको इसको एग्जिट नहीं करना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म व्यू के लिए बजाज फाइनेंस सबसे बढ़िया है। तो ठीक है दोस्तों, तो और भी बजाज बात फाइनेंस करेंगे। के चार्ट के बारे में हम पढ़े, बजाज फाइनेंस चार्ट में कुछ नहीं है, आपको अगर इन्वेस्ट करना है 65 में इन्वेस्ट करिए छोटा क्वांटिटी के साथ, 6000 में आने के बाद और थोड़ा क्वांटिटी बढ़ाए, क्योंकि ये सबसे सपोर्ट जोन का आखिरी सपोर्ट जोन है, ये तोड़ता है तो और ज़्यादा गिरावट आ सकता है। ये कभी तभी संभव होगा अगर न्यूक्लियर अटैक होगा, वर्ल्ड वार ज़्यादा गंभीर हो जाएगा तो तभी ये संभव होगा। बजाज फाइनेंस लॉन्ग टर्म व्यू के लिए बहुत बढ़िया शेयर है, आने वाला समय में ये 8000 क्रॉस करेगा तब ये 10000 टारगेट देखने को मिलेगा। तो ये रहा बजाज फाइनेंस शेयर के बारे में, और आने वाला समय में और एक शेयर नया नया चार्ट के बारे में बताएंगे, और कमेंट करके बताएं और कौन से शेयर में आप बताना चाहेंगे। होल्डिंग करके रखिए, अगर पैसा ज़रूरत पड़े तो एग्जिट कर सकते हैं, किंतु नहीं ज़रूरत पड़े तो लॉन्ग टर्म व्यू के लिए बहुत बढ़िया शेयर है। थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार, गुड नाइट।